सो लेट स्टार्ट विदरसाइज ऑफ रेस्पिशन इन ऑर्गेनिजम्स आज की क्लास में हम इस एक्सरसाइज में बहुत सारे वन वर्ड क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे शॉर्ट आंसर टाइप लॉन्ग आंसर टाइप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा जितना भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग था वो सब रिवाइज होगा और आपको अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्प मिलेगी सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से जो वन वर्ड आते हैं वन मार्क में आते हैं सो यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प इन आंसरिंग देम, ओके वट आर दैट यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन कॉल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है उन को क्या बोलते हैं जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं वट आर द टाइनी एयर सैक्स प्रेजेंट इन आर लंग्स कॉल इसके लिए आपको याद है कॉन्सेप्टअल अंडरस्टैंडिंग में हमने पूरा फिजियोलॉजी पढ़ी थी हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था हमारी बॉडी का जहाँ पे हमने रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा डिफाइन किया था लर्न किया था अलग अलग पार्ट्स पढ़े थे तो यहाँ पे वो टाइनी एयर एयरसेग्स की बात कर रहे हैं जो हमारे लंग्स में होती हैं उनको हम एल्वीओली बोलते हैं अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं है तो फटाफट जाओ बुक खोलो और देखो वहाँ पे कौन से एयर एयरसेग्स हैं जिनको हम एल्वीओली बोलते हैं लव लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर थ्री वट आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट्स कॉल इससे हमें ये याद आता है हमने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन पड़ी थी किस तरह से होती है तो सबके अंदर ह्यूमन बींग्स की तरह लंग्स यूज नहीं होते तो उसी का एक एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इंसेक्ट्स में कौन से ऑर्गन में रेस्पिरेशन होती है एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रेकिया और स्पीरेकल जो कि टाइनी टाइनी होल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जहाँ से कीशियस एक्सचेंज होता है ई होप इट्स क्लियर लेट्स मूव टू क्वेश्चन आपको याद होगा कॉन्सेप्टअल अंडरस्टैंडिंग भी पड़े थे और उसका सबसे बड़ा रीजन यही था ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो कि ये दोनों प्रोसेस सिमिलर नहीं है सो so, इस क्वेश्चन के हिसाब से बिकॉज ये वन वर्ड है आंसर इज नो बट ये क्यों नो है वो भी हमने लार्ज आंसर में और बहुत डिटेल में पढ़ा है उनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से दे बोथ आर नॉट कंसिडर टू बी सिमिलर प्रोसेस डज एनरॉबिक रेस्पिरेशन आकर इन द प्रेजेंस ऑफ और एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कौन सा होता है एरोबिक और एनोरॉबिक वो होता है जो ऑक्सीजन की एप्सेंस में होता है तो करेक्ट आंसर इज रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन की एबसेंस में होती है और हमने इस चैप्टर में वो ऑर्गेनिजम्स भी पढ़े हैं ह्यूमन बॉडी में भी ये सिचुएशन कबराइज होती है ये सारा डिटेल में पढ़ा है नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर सिक्स नेम ऑल द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस तो ये आपसे ब्रीफिंग में ही पूछा गया है बिकॉज इट्स अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बट कभी कभी यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर में भी आता है क्योंकि इसमें तो हम सिर्फ सिर्फ नेम कर रहे हैं लेकिन जब ये लॉन्ग आंसर में आएगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हर स्टेप में कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं सो so, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोज उथ से आता है ये हमारे गले में थ्रोट में थ्रोट के बाद एंटर करता है हमारी विंड पाइप में विंड पाइप के बाद इट मोव टू द लार्ज एयरवेज इज कॉल्ड ब्रोंकि और ब्रोंकि से इट गोज टू द स्मॉल एयरवेज जिसको हम ब्रोंकि बोलते हैं क्योंकि वो बहुत डिस्ट्रीब्यूशन छोटे छोटे पार्ट्स में करता है इसीलिए उसको स्मॉल एयरवेज बोला जाता है एंड फाइनली इट रीचेज द लंग्स जहां पे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाता है तो ये तो बिल्कुल सिर्फ हमने नेमिंग की है इन पार्ट्स की क्योंकि ये एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बट अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आएगा तो हमें हर स्टेप पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हर स्टेप में क्या क्या हुआ है ओके okay? नहीं तो पेपर में सिंपली डायग्राम आता है इस कॉन्सेप्ट से इस चैप्टर में से Now let's take question number seven. Name the process by which transportation of gases in plants take place. Transportation of gases का सीधा relationship इस topic से है जो हम इस chapter को name करते हैं जिसका नाम है respiration. क्योंकि respiration एक process है जहाँ पे सिर्फ exchange of gases होता है transportation of gases होता है. So the answer is respiration. How do fish and other aquatic animals obtain oxygen? क्योंकि हमें पता है वो aquatic है वो water में रहते हैं तो वो किस तरह से अपना ऑक्सीजन लेते हैं Because obviously, वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो फॉर्म में उनको कैसे अवेलेबल होती है? और इसको भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो वाटर में होती है तो दे हैव एन ऑर्गन विच इज कॉल्ड गिल्स गिल्स जो है वो हेल्प करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन को पानी में से लेते हुए और जो फिश है और जो अदर एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वो उस डिजोल्ड ऑक्सीजन को गेल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं लेते हैं सो नेचर ने हर ऑर्गेनिज्म के लिए एक इंतजाम किया हुआ है डू मस्कीटोज लंग्स। अब मस्कीटो देखने में कितना छोटा लगता है बट क्योंकि वो नेचर का एक पार्ट है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन उस मस्कीटो में भी होती है पर कैसे होती है क्वेश्चन यही है क्या आपको लगता है मस्कीटो में लंग्स होते हैं नो no. हमने पढ़ा था इंसेक्ट्स में जो ब्रीदिंग है जो रेस्पिरेशन है इट टेक्स प्लेस थ्रू स्प्रिकल विच आर द टाइनी होल्स प्रेजेंट इन दैम सो सिमिलरली मस्कीटो इज एन इंसेक्ट एंड येस इट डज नॉट हैव लंग्स वॉट इज द अदर नेम फॉर विंड पाइप जब हमने इनिशियली रेस्पिरेटरी पार्ट्स डिस्कस किए थे तो हमने विंड पाइप को एक नाम दिया था विच वॉज कॉल्ड ट्रेकिया तो विंड पाइप से हमें बहुत सारा यू नो आंसर करने के लिए बहुत ईजीली एक हिंट मिल जाता है लेकिन जब हम ट्रेकिया बोलते हैं तो हम बहुत स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि साइंटिफिक टर्म में दैट विंड पाइप इज द ट्रेकिया सो एवरीबडी शुड नो विंड पाइप और ट्रेकिया सेम ही होते हैं नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स क्योंकि हमने बात करी थी एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो उसके साथ साथ और कौन सी चीज़ें जो हैं वो फॉर्म होती हैं दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है बाय प्रोडक्ट्स है क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में खाना ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो यही एनर्जी तो आपको सारे काम करने के लिए हिम्मत और जितने भी आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट है आपका इसी एनर्जी से पूरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो प्लांट्स यूज करते हैं और वाटर इज ऑल्सो जनरेटेड जो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है सो so, ये सारे प्रोडक्ट जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्टेंट होते हैं नेक्स्ट वॉट आर द स्टेप इन्वॉल्व ड्यूरिंग रेस्पिरेशन अब आपको बताना है रेस्पिरेशन में स्टेप्स कौन कौन से होते हैं जिसमें एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो फॉर्म होता है सो so, सबसे पहला स्टेप है इनहिलेशन सेकेंड स्टेप है एग्जिलेशन एंड थर्ड इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्योंकि ये एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वी हैव जस्ट रिटर्न देम इन अ स्मॉल स्मॉल वर्ड बट माइंड यू जब पेपर में ये लार्ज आंसर में आता है या आपको थ्री मार्क्स में आता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर द प्रोसेस क्योंकि इनहेलेशन और एक्सलेशन में आप मूवमेंट ऑफ डाइफ्रेगम मूवमेंट ऑफ लंग्स जरूर शो करते हैं राइट right? सो so ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन प्रोसेस को एक्सप्लेन करना अगर यही सेम क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर में आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच एयर कैन अ पर्सन होल्ड इन इज लंग्स ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे लंग्स की कैपैसिटी कितनी है अराउंड फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ एयर तो इसीलिए जब लंग्स जब हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होता है कुछ भी ऐसा कम होता है तो हमारे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से पता चलता है कि द लंग्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली राइट सो ये वाला जो अमाउंट है दिस इज फॉर एन एवरेज ह्यूमन बींग नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डू वेल्स एंड डॉल्फिन गल्स फॉर एस्पिरीशन बहुत सारी एक्सेप्शन होती हैं जब हम साइंस पढ़ते हैं हम लॉजिक्स और थियोरीज पढ़ते हैं हर लॉजिक और थियोरी ज़रूरी नहीं है सब पे एप्लीकेबल हो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसमें डोल्फिन और वेल्स एक दोबारा से एक्सेप्शन है हमें पता है वो एक्वाटिक एनिमल्स हैं लेकिन फिर भी एकवैटिक एनिमल्स होते हुए भी दे डोंट मेक यूज ऑफ गिल्स दे हैव ग्लोहोल्स एंड लंग्स फॉर ब्रीदिंग इसीलिए रेस्पिरेशन इन डॉल्फिन्स एंड वेल्स इज नॉट थ्रू गिल्स प्लीज मेक अ नोट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चाहे वो एक्वाटिक एनिमल्स है वी शुड नेवर स्लीप इन अ क्लोज रूम विद एन ऑयल लैम बर्निंग वाई ये इमेजिन करके क्या प्रैक्टिकली करके देखना एक ऑयल लैम्प करो और फिर वहीं सोने की कोशिश करो क्या होगा थोड़े टाइम के बाद आप खुद महसूस करोगे यू आर बिकमिंग अनकंफर्टेबल पर आप अनकंफर्टेबल किस चीज से हो रहे हो हम अनकंफर्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि जब भी आप ऑयल लैम्प बर्न करेंगे बर्निंग सो बर्निंग विल रिड्यूस द ऑक्सीजन क्योंकि वो ऑक्सीजन बर्निंग में यूटिलाइज हो रही है और ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा रूम के अंदर और उस कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट बढ़ने से आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होंगी आपको रूम सफोकेटेड लगेगा जिसकी वजह से आप बहुत ही अन हो जाएंगे एंड दैट इज वाई हमें कभी भी रूम वी शुड नॉट स्लीप इन सच अ रूम विद एन ऑयल बर्निंग इन इट ओके जनरल प्रैक्टिस है जो सबके साथ होता है और हमें यूँ ही लगता है कि हमने बहुत सारा वेट उठा लिया या हमने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली इसलिए हो रहा है लेकिन एक्चुअली साइंटिफिकली लॉजिक ये होता है जब हम बहुत हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन बहुत सारा कंज्यूम कर लेते हैं जिसकी वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन जो अब तक चल रही थी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसके लिए ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और उस सिचुएशन में एनरोबिक रेस्पिरेशन जगह लेती है जिसका बाय प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड बहुत सारा लैक्टिक एसिड टेम्परेली बहुत सारा मसल्स में एक्मलेट हो जाता है जो पेन करता है तब तक जब तक हम रिलैक्स नहीं कर लेते हम बहुत सारा पानी नहीं पी लेते अपनी एनर्जी ड्रिंक्स नहीं ले लेते और हमारा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक वी स्टार्ट फीलिंग पेन इन द मसल्स बिकॉज एनरॉबिक रेस्पिरेशन हुआ जिसकी वजह से बहुत सारा लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो गया था ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन इज why वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू our nose एंड नॉट थ्रू द माउथ बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट है इमेजिन करके देखो करके भी देखना कभी अपना नाक कभी भी हमें कोल्ड होता है अगर हमारा नोज बंद हो जाता है और अगर हम मुंह से सांस लेने की भी कोशिश करते हैं उसका क्या ड्रॉबैक है बट सिंपल टर्म्स में सोचो जो भी चीज़ है मुंह के जरिए आपके बॉडी में जा सकती है बिकॉज आपकी सांस लेने के टाइम की जो एनर्जी और पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है हमारे मुंह में कोई फिल्टर्स नहीं लगे हुए कुछ भी है डायरेक्टली अंदर चला जाएगा बॉडी के बट नोज में फिल्टर्स हैं और वो कौन से फिल्टर्स हैं हमारे नोज हेयर और हमारा म्यूकस विच इज द स्टिकी सब्सटेंस तो जब भी कोई एयर जो है नोज के थ्रू बॉडी में जाती है नोज हेयर उसको ट्रैप करते हैं अगर वो कोई भी अन चीज है या जो म्यूकस है जो स्टिकी सब्सटेंस है वो उसको स्टिक कर लेता है और सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट एयर जो है आपकी बॉडी में जाती है तो जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी में नहीं चाहिए जानी चाहिए वो नोज हेयर और म्यूकस रोक लेते हैं एंड जब हम अपना नोज क्लीन करते हैं एवरी डे वो सब बॉडी से बाहर निकल जाता है सो दिस इज अ वेरी सेफ ऑप्शन एज कंपेयर टू द माउथ क्योंकि माउथ में आपके जो पार्टिकल्स हैं जब आप ब्रीथ करोगे डायरेक्टली बॉडी के अंदर चले जाएंगे चाहे वो वॉन्टेड है चाहे वो अनवॉन्टेड है सिम्प्टम्स ऑफ डस्ट एलर्जी आर डैश आईज एंड डिफिकल्टी इन डैश बहुत सिंपल है क्योंकि पहली बात तो हम डस्ट एलर्जी की बात कर रहे हैं तो हमारी जो एलर्जी में सबसे पहला इफेक्ट आंखों से पता चलता है तो आपकी जो आईज हैं वो यूज़ुअली रेड कलर की हो जाती हैं और वॉटरी हो जाती हैं कॉन्स्टेंटली वाटर ड्रॉप करता है आईज में से

जो भी इंसान है वो ऑक्यूपेशन वो अपना बिजनेस या वो अपना काम जो है वो कहाँ कर रहा है अगर वो एक आ, कोई भी ऐसी फैक्ट्री है जहां पे बहुत सारे फाइबर्स यूज होते हैं तो डस्ट की चांसेस बहुत ज्यादा हैं या आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा आप डस्ट एलर्जी को प्रोन हो रहे हैं एवरी डे तो आपको वहां पर काम नहीं करना चाहिए इफ यू नो यू हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ओके लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अब क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है हमने आपको नीचे एक क्लू दिया हुआ है और ऊपर अनजल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको इस क्लू को पढ़ के इस अन वर्ड को आइडेंटिफाई करना है सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड कंबाइनिंग विद फूड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी थिंक कैन आंसर वॉट इज द प्रोसेस कॉल द आंसर इज वेरी सिंपल एंड इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन विच इज द नेम ऑफ द चैप्टर तो हम इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं नेक्स्ट

एयर रीच करें एंड वॉट इज द आंसर इट इज कॉल्ड ब्रोंकि हमने इनिशियली भी डिस्कस किया था जब ब्रोंकाएल्स bronchi, में डिवाइड हो जाते हैं दिस एनिमल ब्रीथ ओनली थ्रू इट स्किन सोचो जब हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था कोई बॉडी से ब्रीथ करता है कोई स्किन से ब्रीथ करता है कोई नोस से ब्रीथ करता है कोई लंग्स यूज करता है तो ये वाला एनिमल सिर्फ अपनी स्किन यूज करता है एंड इस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं अर्थवर्म इसीलिए उनकी स्किन हमेशा रहती है, क्योंकि वो ब्रीथ करने में उनकी हेल्प करती है क्वेश्चन नंबर 24 मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले हम कॉलम ए पढ़ते हैं फिर हम कॉलम बी डिस्कस करते हैं और बहुत सारे आंसर्स आपको इन बिटवीन पता चल जाएंगे सो कॉलम ए में यू हैव रिब्स मूव अपवर्स रिब्स मूव डाउनवर्ड्स ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी glucose to carbon dioxide water and energy external respiration and i move to column b anaerobic respiration bahut simple hai jab maine anaerobic respiration padha mujhe apna answer quickly pata chal jayega kyunki anaerobic respiration ke results kya hai breathing ab breathing mein ke time pe हमारे body की organs जो हमारे column A में है उसका movement क्या होता है Inhalation, exhalation में क्या होता है

हम उसको एनरॉबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं और जब ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और लास्ट में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कब होती है जब आप ब्रीथ करते हैं इज दैट ओके सो दैट वॉज वेरी सिंपल एंड आंसर टाइप्स करेक्टली मैच हो जाएंगे तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है ओके सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर केमिकल इक्वेशंस लिखनी है सेल्यूलर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशंस बहुत ही रेयरली है chapters में, लेकिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो जब भी सेल्युलर रेस्पिरेशन होगा यू हैव टू अंडरस्टैंड ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज बीइंग कन्वर्टेड टू वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं सो so, सबको टिप्स पे याद होनी चाहिए सेल्युलर रेस्पिरेशन की इक्वेशन ऑल

यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया हुआ है ह्यूमन बींग की मसल्स है ये भी हमने गिव रीजनिंग क्वेश्चन में डिस्कस किया था जब भी ऐसा होता है तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और एनर्जी रिलीज होती है और मैंने बताया था इस लैक्टिक एसिड की वजह से आपके मसल्स में पेन होता है सो आई होप अब आपको ये सारी इक्वेशन टिप्स पे है आपको डेफिनेशन स्टिप्स पे हैं बहुत सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में जो नहीं थे वो अब आ गए हैं और आप अपने एग्जाम्स के लिए बेटर प्रिपेयर्ड है सो ऑल द बेस्ट स्टडी वेल रिवाइज वेल